नमस्कार। मुंबई में 26/11 जैसे हमले की धमकी के मामले में पुलिस को आज शनिवार को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जो शख्स गिरफ्तार हुआ है उसका नाम भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल है जिनका जिक्र धमकी भरे मैसेज में किया गया था। आप सभी को बता दें, मुंबई ट्रैफिक पुलिस को शनिवार रात को व्हाट्सएप नंबर पर मुंबई में दोबारा 26/11 जैसे हमले की धमकी भरा मैसेज मिला था। व्हाट्सएप मैसेज में कुछ संदिग्धों की फोटो और नंबर भी शेयर किया गया था। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किया गया शख्स उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। जांच एजेंसियों द्वारा उसके नंबर को विरार में ट्रैक किया गया। महाराष्ट्र एटीएस और मुंबई पुलिस उससे पूछताछ में जुटे ताकि यह पता चल सके कि उसका नंबर और आइडेंटिटी धमकी देने वाले शख्स ने क्यों इस्तेमाल की है और उसका इस मामले से क्या ताल्लुकात है। बता दें कि धमकी में कहा गया था कि भारत में 6 साथी इस काम को अंजाम देने वाले हैं। पुलिस ने इस मामले में वरली थाने में FIR भी दर्ज की है। दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी की बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।